नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, छोड़ी नाइट्रोजन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, जो इससे पहले हमने निकाले थे, और ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6 18 एंड 5 23 इलेक्ट्रॉन। ओके, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज आया है, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 24। माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है। ओके, अब फिर से नाइट्रोजन को हम सेंटर में रख देंगे और ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है उनको हम सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ठीक, देन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच वही दो दो इलेक्ट्रॉन रखे हमने और 6 इलेक्ट्रॉन रख चुके हैं। 24 इलेक्ट्रॉन में से 6 गया, 18 बचा। अब हमने क्या किया, वही बराबर बराबर डिवाइड कर दिया, सराउंडिंग वालों को दे दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 to 8 ओके, तो 8 8 16 और 8 24, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हमने यूज कर दिए 24 के 24। क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है, देखेंगे 2 2 4 2 6, नहीं, कितने कमी है, 2 की। फिर से वही खेल, 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ रखेगा तब डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये रखेगा तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, तो इससे पहले हम आपको सब समझा चुके हैं, तो फटाफट से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले एक स्ट्रक्चर यहाँ बना के देखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, बाकी यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ। ओके, ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे और यहाँ पे आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यहाँ रख दिए, तो 4 2 6 और 2 8 नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और लेकिन ऑक्सीजन के सिर पे 4 बचेंगे, वो 4 हमने यहाँ दिखा। ठीक, अब हम वही VSEPR थ्योरी, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कराती है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 3, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, और नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं, तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 3 पेयर अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर में हम जानते हैं कि नाइट्रोजन को बीच में और ऑक्सीजन को इस तरीके से रख देंगे। ओके, और इसको हमने फर्स्ट ऑक्सीजन कहा, इसको सेकेंड, इसको थर्ड। तो बाकी हमने आपको पहले समझा दिया है, डबल बॉन्ड की पोजीशन अब चेंज होती जाएगी और बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री, 6 इलेक्ट्रॉन इसके सिर पे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन इसके सिर पे। तो जब डबल बॉन्ड बनाया था इसने, इसको हमने फर्स्ट कहा, इसको हमने सेकंड कह दिया, इसको हमने थर्ड कह दिया। ओके, अब जब 2 इलेक्ट्रॉन ये उतार के रखेगा तो 4 2 6 2 8, इससे भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, लेकिन तब यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, मतलब सेकंड वाले ऑक्सीजन के पास, मतलब यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, और यहाँ जहां डबल बॉन्ड होंगे वहां 4 इलेक्ट्रॉन, बाकी जगह 6 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसी तीसरे वाले केस में जब 2 इलेक्ट्रॉन उतार के यहां रखा जाएगा तब डबल बॉन्ड यहां आएगा, बाकी 2 जगह सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड आया थर्ड वाले ऑक्सीजन के पास में, और थर्ड वाला ऑक्सीजन ये है, मतलब ये वाले ऑक्सीजन के पास में, तब उस केस में डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड और यहां भी सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है वहां 6 इलेक्ट्रॉन रख देंगे उनके सिर पे, और यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन रख देंगे। ओके, तो दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO3 नेगेटिव। ओके, और इस पूरे फिनोमेना को हम जानते हैं रेजोनेंस कहते हैं, और इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड, वही सिग्मा बॉन्ड सबके पास है, और हर स्ट्रक्चर कहता है कि डबल बॉन्ड कभी यहां होता था, कभी यहां था, कभी यहां था, तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, एक बात और समझना है आपने कि जब भी आप NO3 नेगेटिव को लिखेंगे तो ऐसे डब्बा बंद करके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज भी लगा देंगे, क्यों, क्योंकि NO3 नेगेटिव पे एक नेगेटिव चार्ज है। ओके, तो सिमिलरली जब यहां इसका स्ट्रक्चर लिखा गया था तब भी आप यहां भी ऐसा ही करेंगे, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, यहां भी नेगेटिव चार्ज, तो बड़े ब्रैकेट में आपने इसको स्ट्रक्चर को लिखना है, उसके बाद उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगाना है, क्यों, क्योंकि NO3 पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमेशा आयन को या आयन का स्ट्रक्चर बनाने का या रेजोनेंस शो करने का यही तरीका है।
अच्छा ये जो साइन बीच में हम लगाते हैं ये इंटर कन्वर्टिबल साइन कहलाता है, मतलब इसका ये हुआ कि ये स्ट्रक्चर इसमें और ये स्ट्रक्चर इसमें, सिमिलरली ये स्ट्रक्चर इसमें, ये स्ट्रक्चर इसमें इंटर कन्वर्ट होता रहता है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एक टाइप है और यहां पे भी हम यही करेंगे।